हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल। और आज एक्सरसाइज 7.10 शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। और कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डीएक्स और लिमिट है 0 से 1। हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x होता है। तो x हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन को हम लोग टी पुट कर लेंगे। तो डेरिवेटिव होगा 2x डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। डीएक्स की वैल्यू आ गई डीटी डिवाइड बाय 2x। तो ये तो हो गया हमारे पास टी में कन्वर्जन। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब लोअर लिमिट 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, तो यानी कि टी की वैल्यू 1 हो गई। और जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो टी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो इंटेग्रल बनेगा नई फॉर्म, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पे t लिख देंगे और dx की जगह पर dt डिवाइड बाय 2x लिख देंगे। 1 की जगह लिमिट आ जाएगी 2 और 0 की जगह लिमिट आ जाएगी 1। t के x के साथ x कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो। 1 अपॉन टी का इंटेग्रल आपको पता है log टी होता है। तो अब अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो log 2 माइनस log 1, 1 अपॉन 2 log 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ। पर इसे चेक कर लें हम लोग। सेवन पॉइंट टेन, ओके, यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डन हुआ। अब करते हैं सेकंड पार्ट। जीरो से पाई बाय टू साइन पाई का रूट कोस की पावर 5 पाई डी पाई। तो यहाँ पे देखिए, कोस का जो डेरिवेटिव है वो साइन है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोस पाई को टी पुट कर देंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन हो गया। ओके, सॉरी, कॉस को पुट करके अगर साइन हम लोग करते हैं, तो साइन जो है वो यहाँ पे कट नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे रूट में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को पुट करेंगे टी। ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो डी टी, तो यहाँ से डी पाई की वैल्यू आ गई डी टी डिवाइड बाय कॉस फाई। अब जब फाई 0 है लोअर लिमिट, तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी जो है वो साइन फाई के इक्वल है, फाई की वैल्यू 0, तो इसका मतलब साइन 0 0 होता है। तो जब फाई 0 है तो टी भी 0 होगा, और जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है यानी अपर लिमिट, तो टी आपके पास होगा फाई की जगह पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो यानी कि 0 की जगह 0 ही आएगा, लेकिन पाई बाय 2 की जगह 1 आ जाएगा। तो लिमिट हो गई 0 से 1 रूट साइन फाई की जगह टी लिखेंगे, कॉस की पावर 5 पाई डी फाई की जगह लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई कॉस फाई। तो
एक कोस फाइव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का कैंसिल, तो कोस फोर फाइव यहाँ पे आपके पास रह गया। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं टी और फाइव, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस आपको पता है कॉस स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कॉस फोर को कॉस स्क्वेयर फाइव का स्क्वेयर लिख लेंगे, उसके बाद कॉस स्क्वेयर को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाइव और होल स्क्वेयर। वन माइनस साइन फाई टी के इक्वल है तो स्क्वेयर करेंगे तो इधर टी का स्क्वेयर बन जाएगा। तो अब देखिए आपके पास सारी इक्वेशन टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये अपने आइडेंटिटी यहां पर लगा दी, इरेज कर लेते हैं ये वाला पार्ट। मल्टीप्लाई करेंगे रूट टी को 1 से, रूट टी देन रूट टी को टी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1/2 और ये है 4, तो 4 प्लस 1/2 इज 9/2। माइनस का 2 बाहर, देन टी की पावर 1/2 प्लस 2, तो इट विल बी 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी और 0 से 1। रूट टी का इंटेग्रल क्या होता है, 1/2 में पावर एक ऐड कर देंगे तो 3/2 नीचे भी और 3/2 पावर भी आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी अपा +1 ऐड करेंगे तो ये अपने पास 9/2 प्लस 1 यानी कि 11/2 बन जाएगा। यहां भी लिमिट 0 से 1, यहां भी पावर एक ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 2/3, तो अपर लिमिट 1 है, 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही रहता है और फिर 0 पुट कर देंगे आपका। ये आपका 2/11, तो पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट 2, 5 ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो आपका 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 रहता है और 0 की पावर 0 ही होता है। प्लस 2/11 अगेन 1, ये आपका 10/7 1 हो गया। तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस 10/7। एलसीएम ले लेंगे 33 × 7 231, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 77 × 2 154। अब 11 से डिवाइड करेंगे 21 42, 7 से डिवाइड करेंगे तो 33 330। 231 डिवाइडेड बाय 7, ओके। अब इसको अपन प्लस माइनस करेंगे, 154 प्लस का ही है, प्लस 42 माइनस 330, तो माइनस 134
अपॉन 231 हमारा आंसर बना है। एक बार चेक कर लेते हैं। सिक्सटी फोर आ रहा है ऊपर, तो इट मीन्स कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, फिर टू आएगा क्योंकि 5/2 है, तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारा इधर से गलत हो गया, सही था। 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 बनेगा, यहाँ पे 7/5 लिख दिया, तो ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, 1/7/2 माइनस 0/7/2, तो ये 4/7, ये तो सेम टू सेम 1 ही रहेगा। तो अब 4/7, तो 231 एलसीएम ये सही है अपना, 154 भी सही था, फिर इसके बाद 42 आया तो ये भी सही था। अब ये दोबारा करेंगे हम लोग, 231 को पहले 7 से डिवाइड किया 33, फिर इनटू 4 करेंगे तो 132 आ गया विद नेगेटिव साइन। अब 42 और 154, तो 64 आ गया है हमारा इन दोनों को प्लस करके और 132 माइनस करके, तो 64/231 हमारा आंसर आ चुका है और यही पीछे भी आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।